दोस्तों नमस्कार। एक तरफ जहां भयंकर गर्मी में लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण यहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है वो पानी, हजारों लीटर पानी जो है वो व्यर्थ बह रहा है। ये तस्वीरें बाड़मेर के सुजेश्वर नाडी की है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि झरने जो हैं वो चल रहे हैं। ये कुदरती झरने नहीं है, बल्कि ये झरने जो हैं पीएच वाटर बॉक्स और पीएचडी की लापरवाही के झरने हैं, जहां एक तरफ 48 डिग्री तापमान गर्मी में पानी के लिए लोग जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों लीटर पानी जो है वो व्यर्थ बह रहा है। हम चाहेंगे हमारे तमाम दर्शक एक बार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस लापरवाही पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तस्वीरें बाड़मेर के सुजेश्वर नाडी जो है वहां की हैं, हजारों लीटर पानी जो है वो व्यस्त बह रहा है। ये कुदरती झरने नहीं है, बल्कि वाटर बॉक्स कि लापरवाही के कारण हजारों लीटर जो पानी है वो व्यस्त बह रहा है। एक बार हमारे तमाम दर्शक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। राजस्थान राइज से मैं आपका साथी उमेश बहरानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पानी साहब ऊपर से आ रहा है, टंकी ओवरफुल हो गई और डिपार्टमेंट ध्यान नहीं देता है, और ये पानी ये ओवरफुल का आ रहा है ना, वेस्टेज आ रहा है, तो ये पब्लिक को काम आता। गर्मी का टाइम है, हम तो देखते हैं और फुल का पानी डालता ही रहता है। तो कितने टाइम से चलता रहता है ये, हर बार जब भी टंकी? नहीं, दो तीन बार देख लिया हमने, तो दो बार। तो यहाँ विभाग के अधिकारी बंद करते ही नहीं है टाइम पे? ये दो घंटे हो गए अब चलते हुए। तो कितना पानी व्यर्थ बह गया? बहुत ज्यादा बह गया, दो घंटे 12:15 बजे से चल रहा है। नाडी पूरी भर गई? नाडी भर गई। दोस्तों नमस्कार। एक तरफ जहां भयंकर गर्मी में लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण यहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है वो पानी, हजारों लीटर पानी जो है वो व्यर्थ बह रहा है। ये तस्वीरें बाड़मेर के सुजेश्वर नाडी की है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि झरने जो हैं वो चल रहे हैं। ये कुदरती झरने नहीं है, बल्कि ये झरने जो हैं पीएच वाटर बॉक्स और पीएचडी की लापरवाही के झरने हैं, जहां एक तरफ